वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम अंजलि। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY नाइट क्रीम। तो कैसे आप इस नाइट क्रीम से अपने फेस पे नेचुरली प्यारा सा ग्लो ला सकते हैं, एंड अगर आपके फेस पे पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम है तो उससे ये भी धीरे धीरे रिमूव होगी। अगर आपके फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट है तो वो भी इस नाइट क्रीम से आपके फेस से रिमूव होगा। एंड सच मानिए, ये नाइट क्रीम बहुत ही अच्छी है क्योंकि इससे आपके फेस पे नेचुरली बहुत ही प्यारा ग्लो आएगा। तो कैसे इस क्रीम को आपको रेडी करना है मैं वो आपको वीडियो में शेयर करूंगी। तो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो इस DIY नाइट क्रीम को रेडी करने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे फर्स्ट है कोकोनट ऑयल, एंड सेकंड होगा एलोवेरा जेल, एंड थर्ड एंड लास्ट होगा विटामिन ई कैप्सूल। हमें एक ही कैप्सूल लेना है इसका। तो सबसे फर्स्ट हमें एक क्लीन बाउल ले लेना है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद सेकंड हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमें 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है। कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल को आप थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लेना है। तो इस विटामिन ई कैप्सूल को आप पूरा ऐड कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से प्रेस करके इसका ऑयल ले लेना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इस टाइप का कोई भी कंटेनर ले लेना है। आपके पास जो भी हो आप उसमें ऐसे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, या फिर आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। हमें इन तीनों के मिक्सर को ऐसे इसमें ऐड कर लेना है। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए नेचुरली मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। ये आपके फेस से डेड स्किन सेल्स को निकाल के आपके फेस के स्किन को फेयर भी बनाता है। एंड आपके अगर आप कोकोनट ऑयल को डेली बेस पे यूज़ करते हैं तो ये आपके फेस के स्किन को बहुत ही अच्छे से फेयर एंड ग्लोइंग भी बनाता है। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके फेस के स्किन को ब्राइट एंड आपके फेस के स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एलोवेरा जेल आपके फेस पे एक अच्छा क्लींजर का भी काम करता है। इसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके फेस से एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, एंड आपके फेस से डार्क स्पॉट को भी जल्दी रिमूव कर सकते हैं। विटामिन ई आपके फेस को ड्राई होने से बचाता है एंड इसे ग्लोइंग भी बनाता है। एंड विटामिन ई में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके फेस को मॉइस्चराइजिंग रखते हैं। अगर आप इसे कोकोनट ऑयल में डेली बेस पे रात में यूज़ करेंगे तो ये आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। तो इस नाइट क्रीम को आपको डेली रात में सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाना है। एंड सच मानिए, आप जब सुबह देखेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग होगी एंड आपके पिंपल्स एंड एक्ने भी इससे धीरे धीरे रिमूव होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डार्क स्पॉट्स की भी प्रॉब्लम है तो वो इससे रिमूव होगी। तो आप इसे सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई करके ज़रूर सोएं, एंड प्लीज़ इसे ट्राई जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।